7:15 हो रहे हैं, सुबह करीब 6 बजे उठ गया था। एक भाई साहब आए हैं लेने के लिए, पहले कह रहे थे मैं बाइक पर चला जाऊंगा, मैंने कहा नहीं आप कार में आइए, आप कार में रहेंगे तो हमारी बातचीत होती रहेगी, आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो मैं शेयर करता रहूँगा वीडियोज़ पर, और बहुत काम की हो सकती हैं क्योंकि आप एक लोकल भी हैं। तो फ़िलहाल मैं जमटा नाम की इस जगह से निकल रहा हूँ और आज का मेरा टारगेट है गत्ताधार, जो एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ मुझे पहुँचना है फाइनली, और वहाँ से कुछ एक दो एक्टिविटीज़ करनी है वो मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगा। ब्रेकफास्ट किया नहीं है अभी, इसलिए रास्ते में देखते हैं। अब हमारे रास्ते में पड़ेगा रेणुका जी, एक और टूरिस्टिक अट्रैक्शन है, तो आप चाहें तो रात वहाँ पर भी बिता सकते हैं, आप चाहें रात तो यहाँ जमटा में भी बिता सकते हैं, जहाँ मन करे बिता सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ। ₹30 का पराठा है, अच्छा ठीक है, अभी है ना, रेडी है, ठीक, थैंक यू। इस तरह की लोकल बसेस यहाँ पर चलती हैं, नाहन एक बार आप पहुँच जाएंगे ना कहीं से भी, जहाँ से भी आ रहे हैं, नाहन तक के लिए बसेस आराम से अवेलेबल हैं, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, अम्बाला से, तो नाहन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, बहुत सारी बसेज हरियाणा रोडवेज, हिमाचल रोडवेज़ की बसेज मिल जाएंगी। एक बार नाहन पहुंच जाएंगे, नाहन से आगे जाने के लिए इस तरह की लोकल बसेज मिल जाएंगी, किराया गत्ताधार तक कुछ 170 रुपीज़, मतलब 200 रुपये से कम है, तो यानी दिल्ली से गत्ताधार तक जाना पॉसिबल है कितने में, दिल्ली से किराया शायद 600-700 रुपये है, और आगे 200 रुपये और, यानी 1000 रुपये से कम में आप ऑर्डिनरी बस फेयर पे करके पहुंच सकते हैं उस पॉइंट तक जहां मैं जा रहा हूं गत्ताधार। फिलहाल क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं था तो ये है एक ब्रेकफास्ट ब्रेक, बहुत सारे ढाबे रास्ते में पड़े थे, अभी क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे तक रास्ते में जो अभी तक जो रेस्टोरेंट्स छोटे मोटे ढाबे जो पड़े थे वो खुले नहीं थे, अभी ये खुला हुआ है। यहाँ मैं खाने जा रहा हूँ पराठा, आलू का पराठा, पनीर का पराठा, अच्छा एक स्टार्च है, और कॉफ़ी, ये सब खा पी के अब मैं चल रहा हूँ। इन्होंने अपना कार्ड दिया अभी अभी, इसमें लिखा रात्रि विश्राम के लिए उचित प्रबंध है यहाँ पर। कौन सा गांव है ये? खादी है, शुरू महिला फार्म, शुरू महिला। अच्छा कितना आपका रूम कितने का मिल जाएगा यार? 800 रुपये चार्ज। 800 रुपये एक, उसमें खाना पीना भी है, खाली रूम, उसमें टॉयलेट है? टॉयलेट है। कितने रूम्स हैं आपके पास? तीन। चलो तीन रूम्स हैं, 800 रुपये बेसिकली कि इस इलाके में लगभग इतने बजट में आते जाते सड़क पर आपको मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं, जैसे आप जमटा में मैं रुका था, रेणुका जी आपको अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, रास्ते में भी कुछ आपको ऑप्शन इस हिसाब से मिल सकते हैं। थैंक यू जी। ये है ददाहू और बस एक छोटा सा टाउन है, और इसके बाद आएगा संगड़ा, तो ये दो टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पर
कुछ खरीदना है आपको, कुछ ग्रोसरी वगैरह या कुछ ऐसे चॉकलेट्स बिस्किट्स वगैरह, तो यहाँ पर मिल जाएंगे, फॉर श्योर मिल जाएंगे। ये डाइवर्जन लिया मैंने अभी रेणुका जी के लिए। रेणुका जी का एक काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन है, टूरिस्टिक अट्रैक्शन है, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ मेरा रास्ता ऊपर सीधा नहीं है। ये जनाब है मेरे साथ में, इनका नाम है दीपक, है ना जी। और आप वहीं जीवनीधार के रहने वाले हैं, तो ये हैं हमारे वो टूरिस्ट गाइड, अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड। और अभी दीपक भाई लेकर आए हैं यहाँ इस रेणुका जी वाली लेक में। ये है मंदिर माँ रेणुका जी एवं भगवान परशुराम जी। अच्छा लेक तो यही है ना? ये लेक नहीं है। अच्छा तो लेक है, तालाब है बस खाली ऐसे। अच्छा दिख रहा हूँ, समझ गया मैं आगे से। अच्छा ये जो था ना, ये था डैम कंस्ट्रक्शन साइट। नीचे नदी है गिरी गंगा, और पिछले कई साल से, मतलब कई साल से यहाँ पर प्लानिंग चल रही थी इसको बनाने के लिए। अभी कुछ काम पता नहीं कब से शुरू हुआ था, ये कब से शुरू हुआ था दीपक भाई? इसका शुरू यहाँ पे हाँ लगभग 6-7 महीने हो गए, अभी शुरू हुआ है। हाँ, अभी शुरू हुआ है। वेरास मैं यहाँ पर कई साल पहले आया था, मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले, तब से इसको लेकर बात चल रही थी, पर क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था इस डैम को बनाने के लिए। और इसका कारण ये था कि अभी जिस सड़क से मैं गुजर रहा हूँ ना, ये काफ़ी ऊपर है उस नदी से, ये सारी सड़क और ये सारा एरिया, ये सारा सबमर्ज हो जाएगा पानी में, सारा पानी इतना ऊपर तक आ जाएगा। तो यहाँ के जो गांव के लोग थे, यहाँ पर ये जो सारा जो इकोसिस्टम है, यहाँ का वेजिटेशन है, सब ख़राब हो जाएगा। और उस पानी का जो इस्तेमाल है, वो जो दिल्ली और जो दूसरे शहर हैं उनको पानी पहुँचाने के लिए किया जाएगा। यहाँ गांव के लोगों का कहना था कि आप हमें क्यों आप वो विस्थापित कर रहे हो, मतलब हमें यहाँ से क्यों हटा रहे हो आप, वहाँ शहरों को आबाद करने के लिए हमें आप बर्बाद कर रहे हो। और आगे भी वो बता रहे हैं कि आगे भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप इसको प्रॉपर प्लानिंग कहें या बैड प्लानिंग कहें, बट हैं आगे भी। असलियत ये है कि जो गाँव के लोग हैं उनका, मतलब सदियों से जो जिन इलाकों में रह रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। हटा दिया है बिल्कुल, छोड़ दिया उन्होंने बिल्कुल। उनको गवर्नमेंट ने पैसे दिए हाँ, और वो घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहने चले गए। आपको सर ये वाइट सा दिख रहा होगा ऊपर टॉप, वहाँ वाइट सा थोड़ा बीच में हाँ, बार हाँ साइड में पानी जाएगा। 1998 में मैं गया था गंगोत्री, और उस वक्त गंगोत्री और बद्रीनाथ रास्ते में पड़ा था टिहरी, और टिहरी में उस वक्त डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बस से मैंने देखा, मामी पापा साथ में थे और मैं स्कूल में था उस वक्त, बस से मैंने देखा कि वहाँ डैम कंस्ट्रक्शन साइट है और सड़क जा रही थी, और फिर बस ने हमको टिहरी काफ़ी देर तक रुकी रही वो, फिर आगे वो गई थी उत्तरकाशी की तरफ। तो वो जो जगह थी, मंदिर था वहाँ पर, पेड़ थे बहुत पुराने, और जो गाँव था, गाँव मतलब टिहरी जो शहर होता था बहुत पुराना, बहुत ही सदियों पुराना था, टिहरी रियासत थी एक उत्तराखंड की, वो सारा एरिया आज की डेट में है ही नहीं, पानी के अंदर जा चुका है, क्योंकि इस नदी पर वो डैम बनाया गया था। ठीक है, एक नया शहर बन चुका है, नई टिहरी नाम की एक जगह है, बट पुराना टिहरी गया, और इसी तरह का हाल कुछ ऐसे इलाकों में भी होगा।
सरकारी बुकिंग करा सकते हैं तो संगड़ा में, ये एक PWD का गेस्ट हाउस है। कैसे कराना है इसके लिए, वही हिमाचल प्रदेश सरकार का जो PWD डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है नाहन में, वहाँ आप कॉल कर सकते हैं और अगर पॉसिबल होगा, खाली होगा तो आपको ये जगह मिल सकती है संगड़ा। अगेन मैंने बताया था कल भी कि दिल्ली से चलने के बाद हो सकता है आप अगर गत्ताधार नहीं पहुंच पा रहे हैं तो संगड़ा में नाइट हॉल्ट कर सकते हैं। पीछे पूरा वो टाउन था, छोटा सा कस्बा था, वहाँ पर कुछ रहने की जगह मिल सकती हैं और यहाँ पर ये सरकारी रेस्ट हाउस है। लोकेशन इसकी बड़ी अच्छी है। वाला पॉइंट आने वाला है जहाँ से हम इस सड़क को छोड़ देंगे, सीधे चले जाएंगे तो यह सड़क चली जाएगी हरिपुर धार की तरफ और आगे राजगढ़ और राइट मुड़ेंगे। अब हम बोर्ड लगा है सामने, ये जो सड़क है ये जा रही है गत्ता धार की तरफ। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, अभी भी मैं पहुंच गया हूँ गत्ताधार जहाँ मुझे पहुंचना था। सो ये है बेसिकली मेरा बेस पॉइंट। अब यहाँ से आगे का जो ट्रैक है जीवनीधार, वो यहाँ से शुरू होगा। तो होम स्टेज हैं यहाँ पर कुछ, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ऑफ बीट है ये। यहाँ पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रॉप मतलब जो मनाली या शिमला में मिल सकते हैं वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि ऑफ बीट है तो कुछ और एडवांटेजेस भी हैं। बहुत ही सुकून है, लोग आपको बहुत ही अनकमर्शियलाइज्ड उस तरह का हिसाब किताब मिलेगा और एक्चुअल जो हॉस्पिटैलिटी होती है किसी भी एक जगह की, वो कल्चर आपको फील करने को मिलेगा जब तक ये कमर्शियलाइज नहीं होती है। तो मैं वही ढूंढने के लिए आया था और अभी एक होम स्टे है, मैं वहाँ पर अपना सामान रखने जा रहा हूँ और इसके बाद आगे का जो भी कार्यक्रम होगा बताता हूँ।